आरडी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 26 इलिप्स। इसमें VSAQ यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। सवाल संख्या 5 है, राइट द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 1/2 ऑफ द माइनर एक्सिस। तो लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो 2b² / a होता है और ये दिया है 1/2 ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस 2a होती है, माइनर एक्सिस 2b होती है। 2b कर दीजिए इसको, इससे हमें एक रिलेशनशिप मिलेगी। कैसी मिलेगी? अब यहां पर देखें 2b² = b * a, यहां से b काट दीजिए, 2b = a हो गया। अब आप देखिए एसेंट्रिसिटी होती है √1 - b² / a², तो इस a की जगह आप रखेंगे 2b, तो a² कितना हो जाएगा 4b², या 4b² आ जाएगा। b² कैंसिल, 1 - 1/4 होता है 3/4। 3/4 का अगर आप अंडर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा √3/2, यही इसकी सेंट्रिसिटी है। अगला सवाल है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, राइट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। एसेंट्रिसिटी निकालनी है, लेकिन सवाल में यह दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल मान लूं, ये होता है और ये होता है फोकस, तो ये AE, 0 है, ये -AE, 0 है, तो डिस्टेंस कितना होगा इनके बीच में 2AE। 2AE ये दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम कितना है 2b² / a, इससे क्या मिलेगा आपको a² यहां ले आइए, e निकालना है तो इसको नीचे ले जाइए, e into a, a² e हो गया b² - b² / a² अब देखें b² / a² है और हम जानते हैं बराबर होता है √1 - b² / a², तो इस e की जगह b² / a² रखिए, यही कहें इसकी जगह e रख लीजिए, तो जगह e बराबर √1 - e, दो साइड स्क्वायर कर लीजिए, e² = 1 - e, इसको यहाँ ले आइए, मिलेगा e² + e - 1 = 0। इसका श्री धराचार्य फॉर्मूला आप बनाएंगे, e - b क्या है 1, इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, -b क्या है -1 +√b² - 4ac, b² कितना है 1, -4ac 4 × 1 × -1 यानी कि प्लस हो जाएगा ये 4/2 × a, ये कितना है 1, ये कितना हो जाएगा -1 - √5/2, ये क्या हो जाएगा -1 + √5/2। अब इसमें देखिए ये नेगेटिव में तो आएगा नहीं, है ना, नेगेटिव वाला हम इसमें लेंगे नहीं, तो इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि अगर ये इसको आप माइनस कॉमन लेंगे तो 1 + √5/2 आता है, तो ये वाला लेंगे, ये क्या बन रहा है √5 - 1/2, यही है इसका √5 - 1/2, ये इसका उत्तर होगा। सवाल संख्या 7 है, इफ s and s' आर दी फोकाई ऑफ द एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1 एंड b इज एन एंड ऑफ ए माइनर एक्सिस सच दैट ट्रायंगल bss' इज इक्विलेटरल, देन राइट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। पहले इसको सवाल को समझा देता हूं, इसमें क्या है कि ये दो फोकस है एलिप्स का और ये जो है इसको हम, ये वर्टेक्स है तो ये को वर्टेक्स है, तो b को वर्टेक्स है। अब हम जानते हैं कि यहाँ से इलिप्स में कोई भी पॉइंट लीजिए और यहाँ से यहाँ तक आप d1 मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक d2 मान लीजिए और इनको जोड़ेंगे, मतलब डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी इलिप्स, किसी भी पॉइंट को ले लीजिए इलिप्स पे और उसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों को जोड़िए तो ये बराबर आता है 2a के बराबर आता है, यानी कि bs + bs' = 2a। ये हम एक सवाल में देख चुके हैं, पिछला जो हमने चौथा सवाल किया था, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो SB + SB' ये हो गया 2a। अब क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम SB + SB' कह रहे हैं 2a है और यहाँ पर ये
ये और ये बिल्कुल सेम है, तो ये कितना होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 2ae के बराबर होता है। तो ये साइड भी, ये साइड भी, ये साइड भी 2ae के बराबर हुआ। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में रखेंगे हम, एस बी कितना है 2ae, बी एस ये भी 2ae, मतलब एस बी और एस बी डैश ये भी 2ae, ये किसके बराबर हुआ, ये 2ae के बराबर। इससे क्या मिलेगा आपको 4ae बराबर 2ae, ई कितना आ गया आपका 2ae बाय 4ae ये हाफ, ये हाफ आएगा इसका उत्तर। सवाल संख्या 8 है, इफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स सबस्टेंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस देन राइट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। पहले ये फिगर दिखाता हूं आपको, इसको समझिए। इफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स, ये एलिप्स की मेजर एक्सिस ये है, माइनर एक्सिस ये है बी, टू बी माइनर एक्सिस है। तो जो माइनर एक्सिस है एलिप्स की वो सबटेंड कर रही है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल विद वर्टेक्स एट वन एंड एंड द मेजर एक्सिस। यहां पर आपका वर्टेक्स एक एंड पे है और यहां पर ये मेजर एक्सिस है, इसका मतलब हमको एसेंट्रिसिटी निकालनी है। देखिए ये ए, ये बी और ये बी डैश हम ले रहे हैं, ये बी और बी डैश एंड पॉइंट हमने को वर्टेक्स ले लिया, यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक बी है, यहां से यहां तक बी है। अब क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसमें कहा गया है कि ए बी और ए बी डैश, ए बी ए ए बी और बी बी डैश, ये जो ए बी है बी बी डैश के बराबर है, ठीक, ए बी डैश ए बी और बी बी डैश बराबर है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो आपको मैं ये बता दूं ये कैसे निकालेंगे, ये ए है ये बी है, अगर आपको ए बी निकालना है जैसे ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, इसमें आपको ये तो ए है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक उसका ये बी है, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लेंथ हो जाएगी, ये जो लेंथ है वो इसके बराबर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड और ये तीसरी जो टू बी यानी कि माइनर एक्सिस बराबर है, तो इसको 2b के बराबर कर दीजिए, दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2b स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर, यहाँ ले आइए इसका बराबर होगा 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3b स्क्वायर। अब एसेंट्रिसिटी निकालना है तो एसेंट्रिसिटी होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 3b स्क्वायर रख देते हैं, ए स्क्वायर की जगह 3b स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 1 बाय 3 यानी कि 2 बाय 3 अंडर रूट, ये एसेंट्रिसिटी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, इफ अ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स देन राइट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। इस फिगर को ध्यान से देखिए, लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से पास होती है और पैरेलल होती है वाई एक्सिस के, अगर ये हॉरिजॉन्टल आपका एलिप्स है तो इफ अ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स सबटेंड एट अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स, ये लेटेस्ट रेक्टम है, ये पास होना चाहिए एस से, ये एस से पास होगा, ठीक है, इसको यहाँ कर दीजिए, ये एस से पास होगा, अगर एस हम कह रहे हैं कि हमारा फोकस है तो इससे पास होगा, लेकिन ये जो लाइन है ये 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, मतलब ये फोकस लूँ पहला फोकस और एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, ये लेटेस्ट रेक्टम हो गई, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, राइट, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं, मार्किंग क्या कर रहे हैं, इसको ए और इसको बी कह रहे हैं और ये आपका हो गया ओ, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अब आप देखिए ये जो पॉइंट है ये 0 0 है, ये पॉइंट क्या होता है ये ई कॉमा जीरो, और ये क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम है तो ये वाई क्या होगा इसका, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है यहाँ से तक बी स्क्वायर बाय, यहाँ से यहाँ तक एक्स ए, यहाँ से तक बी स्क्वायर बाय, तभी तो ये बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय टू बी स्क्वायर बाय होता, तो ये जो पॉइंट होगा वह ए ही, क्योंकि यहाँ से तक एक्स है यहाँ से यहाँ तक वाई है, तो वाई क्या होगा बी स्क्वायर बाय, क्लियर हो गया। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, ओ ए स्क्वायर मैंने कहा था ये ओ है ये ए है ये बी है, ओ ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर बाय ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये
प्लस ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये हो गया किसके बराबर हो गया, ये एक डिस्टेंस हुआ। इसी तरीके से फिर ये ओबी भी वही डिस्टेंस होगा, है ना, सिमेट्री के द्वारा निकाल भी सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो है आपका ये है ए ई माइनस बी स्क्वायर बाय, ये भी यही डिस्टेंस आने वाला है, लेकिन हम इसको यहां से देखते हैं। देखिए ये आपका आपका कितना आया, अंडर रूट बी स्क्वायर बी की पावर फोर बाय ए स्क्वायर, ये हो गया जीरो, है ना, इसको इसको छोड़ दीजिए, बी बी की पावर फोर बाय ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर ए स्क्वायर पूरे पूरे में अंडर रूट है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यही वो ओबी के बराबर भी होगा, यानी कि ट्वाइस कर दीजिए, ये जितना है ना ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, ट्वाइस कर दीजिए, यानी किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर के बराबर, ए बी स्क्वायर के बराबर है, वो ये मैंने कहा इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये पूरा अंडर रूट हटा दीजिए, बी की पावर फोर बाय ए स्क्वायर, ये जो है ना ये ओ ए है, जब आप ओ ए स्क्वायर लेंगे तो इसका पूरा का स्क्वायर होगा तो केवल यही बचेगा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ ये ओ ए और ओ बी बराबर है तो ये हो जाएगा ट्वाइस बी की पावर फोर बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर, जो यहाँ आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बराबर होगा ए बी स्क्वायर के बराबर, ए बी तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, टू बी स्क्वायर बाय, है ना, टू बी स्क्वायर बाय, और इसका यहाँ स्क्वायर है टू बी स्क्वायर बाय ए, टू बी स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर क्या होगा, फोर बी की पावर फोर ए स्क्वायर, अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, है ना, टू 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 सा फोर हो गया, और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये होगा फोर बी की पावर फोर ए स्क्वायर, और ये होगा बी की पावर, ये टू टू सा कटेगा तो टू बी की पावर फोर ए स्क्वायर, इसको यहाँ ले आइए तो ये से एक कटेगा, इसका मतलब बी की पावर फोर ए स्क्वायर आएगा, ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर हो गया बी की पावर फोर ए स्क्वायर, इससे क्या मतलब ई स्क्वायर यहाँ रखने दीजिए, ए स्क्वायर को नीचे ले जाइए, तो ई स्क्वायर बना है ना, ई स्क्वायर है ये, तो ई स्क्वायर आपका आ रहा है बी की पावर फोर ए की पावर फोर, तो ई कितना आएगा, अंडर रूट कर दीजिए इसका, बी की पावर स्क्वायर और ए की पावर स्क्वायर, ठीक, तो ये कितना आया आपका, ई हो गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब आप जानते हैं सेंट्रिसिटी जो होता है अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है ना, अब जब कह रहे हैं बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ही ये है तो यहाँ पर वन माइनस ई कर दीजिए, अब e बराबर अंडर रूट वन माइनस ई, फिर से ले जाता हूँ आपको, ये हमने सॉल्व किया था ना, याद है आपको, ई स्क्वायर प्लस ई माइनस वन, बिल्कुल सेम चीज़ आ गई है, ई स्क्वायर प्लस ई माइनस वन, तो इसका नेगेटिव नहीं लेंगे पॉजिटिव लेंगे, e बराबर अंडर रूट फाइव माइनस वन बाय टू, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये आपकी हुई एक्सरसाइज वी एस ए क्यू वाली, ठीक है, और आगे हम जो करेंगे वो है एम सी क्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी तकरीबन आपके 24 हैं, तो आगे देखते हैं, शुक्रिया मेहरबानी आप सभी की।